दोस्तों वेलकम बैक टू रन ब्लॉग दिस साइड। और आज मैं आपको एक ऐसी साइट पे लेके आया हूँ जहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलने वाला है। और आज मैं पहुँचा हूँ पौड़ी के छोटे से गांव में जिसका नाम है कंडी गांव। और वहाँ का मैं आपको व्यू बताने जा रहा हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं कंडी गाँव से, मैं उनको उनके गाँव का व्यू बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कंडी गांव के ठीक सामने। पता नहीं नाम, पता नहीं क्या है, अंदाजा लगा लेना आप जो भी मेरे साथ कंडी गांव के हैं। चुका हूं कंडी गांव के, मैं पहुंचा हूं कुखड़ गांव के ठीक ऊपर हूं मैं पौड़ी वाली रोड पे। और यहां ऊपर केंद्र भी है, आप देख सकते हैं। अभी इतना दिखेगा नहीं क्योंकि वहाँ शाम का टाइम भी हो चुका है तो अंधेरा छा गया है। तो ये है हमारे सामने ठीक कंडी। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ अपने जीजा जी के साथ। और देख सकते हैं आप, बहुत ही बेकार रोड है, बाइक की हालत बहुत ख़राब होती हुई इस रोड पे। ये देखिए पूरे गड्ढे गड्ढे पानियों से भरे हुए। और हमने जाना चरदार, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इस चरदार में जहाँ पे कंडी और कुखड़ गांव जो ये गांव है इनका स्कूल भी है वहाँ पर। और काफ़ी अच्छा व्यू भी मिलेगा आपको वहाँ से देखने के लिए। तो बने रहेगा राणा ब्लॉगर के साथ, राणा ब्लॉगर आपको ले चलता है चरधार की तरफ। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कंडी के ठीक ऊपर में। ये दिल्ली से पता नहीं कोई आया हुआ है कंडी गांव में, क्योंकि यहाँ के सभी जितने भी इस गाँव में रहते हैं लगभग सारे के सारे इस गाँव से बाहर हैं, आउट ऑफ विलेज हैं। तो ये है यहाँ का मंदिर। और ये रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यहाँ के जो प्रधान थे। और ये देखिए आप गाड़ी। जो लोग भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, खासकर बिष्ट जी को मैं कहना चाहता हूँ। और दिखाते हैं हम आपको अभी, ये देखिए आप, ये है आपका कंडी गांव और छोटा सा गांव है ये पौड़ी में। ये देखिए मंदिर और वो नीचे वाला मंदिर है। और वो रहा आपका चरधार आगे, हमें अभी उधर ही जाना है। देख सकते हैं आप, देखिए रोड की बहुत ही हालत बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं नज़ारा। अभी आते आते काफ़ी टाइम भी लग गया हमें। देख सकते हैं आप, ये यहाँ का व्यू है और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का जो कंडी ग्राम सभा है। मुझे भी काफ़ी पसंद आया यहाँ। और देख सकते हैं आप लोग, तो चलिए अब मैं चरधार की वीडियो आपको शेयर करूंगा, बने रहेगा मेरे साथ। दोस्तों तो मैं पहुंच चुका हूं यहां पे चरधार पर। और कितना प्यारा अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं पीपल का पेड़ है, आम के पेड़ हैं, ये नए नए घर बन रहे हैं यहां पे। और ये देखिए ये यहां पे मैं आया था। और ख़ासकर बिष्ट जी अगर हमें सुन रही होंगी तो आपको कुछ याद ही होगा बिष्ट जी की, हमने यहाँ पर खेला भी था। और ये यहाँ का स्कूल है ऊपर में, मैं आपको बताऊंगा अभी ऊपर ले जाते टाइम। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है, अगर ये अंदर जाने देंगे तो। वैसे तो यहाँ पे गेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे खेला हुआ था जब आए थे हम, तो यहाँ पे खेल भी खेला था हमने। ये देखिए इसमें चढ़ा था मैं, देख सकते हैं आप। आया हूँ अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं ये है यहाँ का राजकीय प्राथमिक विद्यालय चरधार। बिष्ट जी अगर आप हमें सुन रही हैं तो प्लीज़ इसमें देखना आप कि हमने उस दिन यहाँ पे खेला था। और देख लीजिए आप चरधार के स्कूल को भी, उस टाइम पे कैसा था और अब कैसा है देख लीजिए। ये काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और पर्सनली जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी यहाँ पे बहुत प्यारा लगा था। ये देखिए काफ़ी हरी भरी घास उग चुकी है यहाँ पे, ये टूटा हुआ है, ये पुराना था यहाँ पे। और अब लोग यहाँ नए नए घर बसा रहे हैं, देख लीजिए आप। तो हम आते हैं स्कूल से बाहर और स्कूल के बाहर का व्यू बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे एक अंकल जी रहते हैं और ये इनकी यहाँ पे कैंटीन है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। वो स्कूल है ऊपर, अभी मैं
वहीं आपको लेके चलता हूँ। ये यहाँ का व्यू है, देख सकते हैं आप, मैं जा रहा हूँ ऊपर की ओर और वहाँ पे है चरधार का स्कूल, जो 12वीं तक कक्षा की क्लासेस हैं वहाँ पे। और देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ ऊपर, ये है रोड और यह है स्कूल। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।